मंच पर आ रहे हैं डॉक्टर धीरेन्द्र प्रेमर्षि जी से अनुरोध है आप भी मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करें आदर स्वागत है और अतः हम सब बहुत सौभाग्य के बात है जो नेशनल बुक ट्रस्ट एहन संयोजन कलखिन जैसे स्त्री लेखन के एक मुख्य बिंदु बनाल गए हमारे जो चिंतन परम्परा रहा है तेमें हमारे सोच ई जाए थे जो स्त्री चिंतन को शून्य से निकल के नहीं आवे थे एक सतत परम्परा रहा है मिथिला में और वही मिथिला से निकलल जो गार्गी रहथिन गार्गी के प्रश्न रहन गार्गी के चिंतन रहन गार्गी के इनफैक्ट पूरा संकल्पना रहन ओकरा आई के समकालीन विश्व में या समकालीन स्त्री लेखन में खास कर लोकेट केनाई बहुत बेसी आवश्यक छे और वही के ध्यान में रखे नेशनल बुक ट्रस्ट और सीएससीएस के संयोजन में ई कार्यक्रम के आयोजन कैल गए हम स्वागत करें छे डॉक्टर उषा किरण खान के और डॉक्टर विजय रेणु के डॉक्टर शिफालिका वर्मा के और श्री धीरेन्द्र प्रेमर्षि के जो अपने से बीच में तीनों गार्गी से संवाद के परंपरा कायम करता आप मंच जो है से धीरेन्द्र प्रेमर्षि जी के हवाले करी छे थैंक यू सो मच बहुत 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 धन्यवाद सविता जी भाई रे एम की जतरा ने मंच देखी साहस पहले दिन में रोटी पर आई थी मंच जत मिथिला मैथिली के मैथिली साहित्य के सामान्य विषय पर बातचीत नहीं हुई है वही में एक खास विषय स्त्री लेखन पर आज चर्चा भ रहा है हमारे ये कि मैथिली साहित्य के संदर्भ में मैथिली परंपरा के संदर्भ में रोटी मात्र नहीं आई नून सहित के रोटी भेट रहा है भैर मोन के बाद फिर होते जते पहले हम नेपाल में रहे छी काठमांडू में रहे छी ओहि ठाम सा एहि ठाम आबि के एहिमे सहभागी होबाक हमरा अवसर अछि भेटल तकरा लेल सर्वप्रथम आभार प्रकट करय चाहैत छी और हमरा लगैए कतौ न कतौ ई जे भ रहल अछि शुरू में मिथिला विद्वत परंपराक तीन विशिष्ट संवाहक नारी लेखक संगे हम बातचीत करवा के हमरा अवसर भेट रहल अछि तो ई अई पारक आ ओहि पारक मिथिला के कतौ न कतौ एकटा जोड़बाक बात सेहो भ रहल छै और ओहुना डॉक्टर राजेंद्र विमल प्रसिद्ध साहित्यकार छथिन कहने जे सीरा ऊपर सब किछु पावन चंद्रौटा धूपदानी की मैथिल तो बस मैथिल होइ छथि अइ पानी ओहि पानी की तो ई तकर एकटा निरंतरता और हमहूँ सब ओहू ठाम से देखैत आबि रहल छी जे डॉक्टर भीमनाथ झा प्राय कहने छथिन जे सौंसे मिथिला एके टोल जकर मैथिली माइक बोल तो ई एकटा उत्तर वरिया मिथिला के लोक दक्षिण वरिया मिथिला के जे राजधानी अछि मिथिला के नहि मिथिला के चर्चा करय वाला संदर्भ के ओहि ठाम अछि पहुँचल तऽ इहो एकटा तालमेल बनि रहल छै और जखन मिथिला के बात करब तऽ किशोरी जी जानकी के भूमि सेहो ओहि पार और ओहि ठाम सँ हमरा लगैए जे बहुतो नारी के आदर्श के जखन बात कयल जाइ छै रचनाशीलता के जे बात कयल जाइ छै तऽ ओहू ठाम सँ अबै छै लेकिन एकटा प्रश्न ओहि ठाम सँ ठाढ़ होइ छै महिला के बात कहित देरी बहुत रासे चीज सब रहे छे जे ओहिना झापल तोपल रह जाए छे एकटा अम्मत पक्ष कतौ ने कतौ आहार अबै छे और ओकरा अकनबाक प्रयास आमिल पीबैत कहलनि ओ छोड़ू हमरा पर तारू नहीं
बज्जर भागल मोनक धरती चासे बिना समारू ने उना त हम ही जनक दुलारी हम ही राम पियारी छी कहू सब लव कुश सन बंका वीरक महतारी छी प्रेम सृजन शक्ति कहबे तो असल में अबला नारी छी कही से जीवन उलकी में टप टप चुबैत एकचारी छी छोड़ू छोड़ू कहुना चोखैल घाव खैची एना ओदारू ने बज्जर भग मोनक धरती चासे बिना समारू ने हमरा लगे कतौ न कतौ वो खैची हम सब ओदारा छी आयल खैची के ओदार का नीक जका पड़ताल कहकर में की मलहम लगाओल जवाक चाही से संधान करवाक से हो एकटा वातावरण बने और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सब डॉक्टर उषा किरण खान जी डॉक्टर नीरजा रेणु जी और डॉक्टर शेफालिका वर्मा जी एठम छथि। हम शुरू में मात्र अपन लेखन से सेहो एहि विषय के कोन तरह देख रहल छथिन तै संदर्भ में तीन तीन मिनट पहले हम कहबन जे अपन धारणा राख के लेल डॉक्टर उषा किरण खान जी के अहाँ सब शुरू करिए ताहिसँ पहिने एकटा औपचारिकता जे छै से बाँकी रहि गेल छै हमरा सबके बीचमे जे छै से एनडीटी के चेयरपर्सन जे श्री बलदेव भाई शर्मा जी छथिन हम हुनकासँ आग्रह करबनि जे आज सामने अबथिन आर तीनू लेखिका के आओर धीरेन्द्र प्रेमर्षि जी के जे छै से सम्मानित करथिन अंगोत्सवसँ। बस एक एक मिनट आ ले हमारे बीच में फॉर्मर चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्रा जी छथिन उनका समाग्रह करबन जो स्मृति चिंता का डॉक्टर उषा किरण खान के जे छे सुस्वागत अब हम प्रोफेसर मनीन्द्रनाथ ठाकुर के आग्रह करबनि जे ओ अबथिन और डॉक्टर नीरजा रेणु के जे छै स्मृति चिन्ह प्रदान कऽ कऽ स्वागत करथिन हुनकर प्रोफेसर मनीन्द्रनाथ ठाकुर चलिए आपके भी सब
तब हम डॉक्टर जयशंकर नवीन से आग्रह करबन जो अब थी और डॉक्टर शेफालिका वर्मा के जो स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनको स्वागत करते हैं। हम डॉक्टर गंजेश गुंजन जी से आग्रह कर दें जो अब थे और श्री धीरेन्द्र प्रेमर्षि जी के स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका स्वागत करते हैं। समाचार अच्छी औपचारिकता के बीच में छह दे अपने प्रश्नोत्तर बीच में दे गए जी प्रेमर्षि जी प्लीज कंटिन्यू करिए जी। जी प्रश्नोत्तर अखन नहीं शुरू भेल ताहि दुआरे हमरा लगैए जे जगह पर ही हो सब भेल और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जे मैथिली जैठाम लेखन समग्र में कम होइ छै पूरा गुणस्तरीय लेखन भ रहल छै सब तरहक चीज समता रहल छै और हमरा लगैए जे जखन लेखन होइ छै तऽ ओहिठाम स्त्री लेखन मात्र कोनो फूट विधा फूट विषय नहि छियै समग्र लेखन के एकटा महत्वपूर्ण हिस्सा छियै ओहिमे जे महिला लेखिका सब छथिन ओ सब लिखिए रहल छथिन बहुतो पुरुष लेखक सब सेहो छथिन जेकि एहि चीज के बहुत मेही ढंग से देख रहल छथिन रक्षा रहल छथिन अभिव्यक्ति दऽ रहल छथिन और स्त्री लेखन में सेहो पांच गोटे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सेहो सम्मानित भ चुकल व्यक्तित्व सब छथिन जेमे तीन गोटे अहिठाम छथि डॉक्टर उषा किरण खां डॉक्टर निर्जा रेणु डॉक्टर शेफालिका वर्मा और श्रीमती लीली रे था आशा मिश्रा जी ओ दू गोटे हमरा सबके अहिठाम कोनो ने कोनो तरह उपस्थिति आइ रहत तकर हम सब एहिठाम ज्योत मिलेने छी और जेना कि हम शुरू में कहने रही जे तीन मिनट में मैथिली में स्त्री लेखन समग्र लेखन ओहिठाम स्त्री के मुद्दा एहि पर कोन तरह आबि रहल छै अपन अपन विचार पहिल चरण में राखि देबाक लेल डॉक्टर उषा किरण खान जी से आग्रह। सबसे पहले हम नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन बलदेव भाई शर्मा के धन्यवाद देवन एक प्रकार के कार्यक्रम के सहमति दिल थे एक शुरुआत तक थे प्रयास करे वाली सरिता खान के तो हम करबे करबन प्रशंसा जो एतक वो संघर्ष करके कार्य आगू बढ़ेलें फिर हमर परदेशी भाई प्रेमर्षि जी जे कि छथि अपने देश के तो कहे छथि परदेश मातृभाषा एक छै तो देश एक छै तैं दुआरे हम हुनको धन्यवाद कहियो देबनि जे ओ एला अपन ओते दूर से काठमांडू सँ एहि धन्यवाद के सिलसिला जरूर समाप्त करब किया तऽ हमरा अपना लेखन पर या स्त्री लेखन पर कहब के शायद अपना लेखन पर तो हमरा हम जो लेखक जहिया बनलहुँ तो अपना मन में विचार आयल जो मैथिली में लोग लिख रहा छे महिला लेखन कर रहा छली है जना गौरी रानी मिश्र कर छली हमरा से पहिने और लिली रे छलखिन है जे लिली रे के नाम से नहीं छलखिन बहुत बाद में हमरा सबके पता चल वो कल्पना शरण नाम से लिखे छलखिन है और उनकर लेखन सशक्त छलन आ कोनो पुरुष लेखक से आगू बढ़ल छलन ओहि समय में हमरा से पहिने मिल जाय जी सेहो मैथिली में लिखे छली हम पढ़ने छलियन हँ आरो किछु लोक लिखे छले और मैथिली में हमरा से पहिने कविता शेफालिका वर्मा सेहो लिखे छै लेकिन हम मैथिली में एक बात लय बदनाम छी जे हम हिंदी में अधिक लिखे छी लेकिन हिंदी में हम अधिक लिखे छी या नहीं मगर मैथिली में कम नहीं लिखलहुँ हुआ से हमर अपन कहब है कि
किया तो ये मैथिली में चैर का नाटक पूर्ण कालिक लिखलों वो नाटक सभ्यों के मंच पर प्रतिष्ठित पुरस्कृत भेल और रेडियो सब के नाटक के हम गिनती नहीं करी छे स्टेज के नाटक और कम से कम एक सा कथा जरूर लिखलो है और पांच का उपन्यास लिखलो एक का खंड काव्य लिखलो बाल साहित्य लिखलो किछ प्रकाशित छे किछ नहीं छे प्रकाशित क्या कहते प्रत्येक हम ठीक है हमारा अपना अपना आश्चर्य होइए कि हम काज बहुत करे छे ये प्रकाशित बहुत ओते नहीं भेलिए तैयो बहुत भेलिए तो ते दुआरे लेकिन हम क्या मैथिली में लिखलो एक तो हमारे मातृभाषा है नहीं तो हम हिंदी में लिख सके चलो कोनो विशेष बात नहीं छे क्या तो हिंदी में जो हम लिखे छी वह मिथिला के वही भाग के कथा लिखे छी जे भाग के कथा हम मैथिली में लिखे छी लेकिन हम किया मैथिली में लिखे छी आ की लिखलो हम लिखलो जे चूंकि हम लहेरिया सराय के हमर जन्म है और वही के बगल के गाँव बहुत विकसित गांव मझोलिया के और बहुत विकासशील व्यक्ति हमर पिता रहे कांग्रेसी ओ जमाना के आश्रम बनेनहार तो तकर बेटी छलों हुए तो हम उते चीज जो हम लिख रहल छी नहीं देखतिए लेकिन वो आश्रम बनवै ले कोसी के दुरूह क्षेत्र में गेला जे एखनो तक दुरूह छे ओहि दुरूह क्षेत्र के जे सृजन छे ओकर दुख आ सुख ओकर पीड़ा भारत देश के लोग नहीं जाने छे तो भारत के अधिकाधिक लोग के देखक द्वारे सुनक द्वारे पढ़क या अनुभव करक द्वारे हम हिंदी में लिखलो वे हिंदी जे अधिक लोग पढ़ते तो अधिक जानते ये कोसी क्षेत्र के 80% स्त्रगण की दुख छे यह बात हम मैथिली के लेल सेहो कह चाहे छी मिथिला क्षेत्र के चंद मैथिली कथा लिखना है थमेश्वर नाथ रेणु से हो यह लिखल थी ना कोसी के आसपास की कथा लेकिन हमकर कोसी अथवा बाबा यात्री जी के बाबा नागार्जुन जी कहे थे हिंदी में तिनकर क्षेत्र हमारा क्षेत्र से एकदम अलग है क्या दुआ रे ये जो हमारे साहित्य पढ़ने हेता वो जाने हेता यहाँ के क्षेत्र के अजय सृगन के कथा कहे थी वो हिंदा सबके उतर नहीं छन और सृगन जो है वो हर जगह जुड़े छे जे वो चाहे उच्च वर्ग के हो उच्च जाति के हो तो वो जुड़े छे लेकिन जे वो वर्ग छे जे मजदूर वर्ग सृगन छे वही सृगन के किसान के पत्नी मजदूर के पत्नी जे ओकर कष्ट एक दोसर छे ओकर अपन पति के कष्ट जे छे से ओकर कष्ट छे आ ओकर जे अपन तकलीफ छे जेना हम जे एरिया में छी ओते हमर तो बड़ा बढ़िया छे जे के संपन्न किसान है जेकर 10 बीघा जमीन छे आ 8-10 टा महीस छे जॉइंट फैमिली छे आ एक साल मने किछ दिनक बाद पुतो तो आबि गेलै यऽ तैयो एगो और बियाह कर लै छी ओकर लेल ओकरा मजदूर बढ़ि गेलै दूटा जे बिया ओतऽ तक कानून के हाथ गेलै यऽ नहि तऽ दूटा जे बियाह कर लेलक ओ ओकर छियै एकटा मजदूर के वृद्धि भऽ जाइ छै ओ सृगन के दुख हम लिखलियै यऽ तऽ ताहि दुआरे हमर जे लेखन छै से ओहि धुर एहन स्थान के जे हम आइयो नाव आ बैलगाड़ी से पहुँचल जा सकैया जाइ छी हम तऽ ओहि नाव आ बैलगाड़ी से पहुँचे वाला स्थान के 80% किसान सृगन के जे तकलीफ छै ओ लोग बुझै मिथिला के लोग को सबटा नहीं जाने छै तहिना फिर पूरा भारत तो नहीं जाने छै तैं हम मैथिली में हमर लेखन इएह अछि ओहि सृगन के तकलीफ ओकर दुख जी जी बहुत बहुत धन्यवाद समाजक जे सबसे प्रेमी वाला वर्ग अछि तकर जखन बात कयल जाय तऽ ओ सृगण अबिते छथि आओर मजदूर वर्गक बात भऽ जाय तो आर मिथिल कहबै छै एकटा काल्हिखन सविता जी बजै छलीह मैथिली के सबसे पहिल बात इएह छै जे हमर मातृभाषा अछि तैं लिखै छी सेहो चलि आयल आओर रहल बात हिन्दी आ मैथिली मे महेन्द्र मलंगिया कहल करै छथिन जे हो जकरा दहिना हाथे क लिखल भऽ जाइ छै ओ बामो हाथे क लिख लैए त
तब ये दहिना बामा के मात्र फेर से समय अनुसार उपयोगिता अनुसार उपादेयता अनुसार से चलित रहे छे। हम आदरणीय मिर्जा रेणु जी दिस आवा चाहब जे अपने के लिखवा के लेल कौन चीज प्रेरित केलक आ अपने के लेखन में विशेष कौन तरहक पक्ष समतल रही है। बहुत लिखने छे पोथी सब धुरझार लिखे छे। आदरणीय प्रेमर्षि जी धीरेन्द्र प्रेमर्षि जी आयोजक लोकन नेशनल बुक ट्रस्ट के जे आयोजक छी सरिता खान हम हुनका सबके प्रति हुनका सबक प्रति हम आभार व्यक्त करै छी। कतेक हर्षक अनुभव भऽ रहल अछि कल्पनातीत लागि रहल अछि अपने सब संगे हम बैसल छी शब्द में हम व्यक्त नहि कऽ सकै छी। अजका विषय कहै छी जे स्त्री लेखन मैथिलीमे तऽ हम जे सोचलियै एहि विषय पर जे बहुत रास जे जतेक लोककथा छै लोक संस्कृति छै ओ स्त्री द्वारा संग्रहित छै आ निर्मित छै मुदा नाम ककरो लेनाइ से जे मिथिलाके परम्परा रहलैए हमरा सबके ओहिठाम से कोनो महिलाके नाम लेल ओ वर्जित छलैए तऽ ताहि दुआरे जतेक छै यदि अतिशयोक्ति नहि कही तऽ 75% महिले द्वारा रचित जे लोककथा आओर लोकगीत छै। स्वतंत्रता प्राप्तिक पश्चात से नारी जागरणक प्रति सब पूरा समाज जागरूक भऽ गेलै प्रयासरत भेलै आ स्त्री शिक्षाके प्रचार भेलै प्रसार भेलै लेकिन वर्जना ततेक बहुत दिनसँ छलैए जे अपन नामके सङ्गे अपन रचना छापब ई साहस सबमे नहि छलैए। पहिने तऽ एकटा तऽ नीतिके अन्तर्गत आबि गेलै हँ हँ शिक्षा हेबाक चाही प्रगति हेबाक चाही मुदा ओ वस्तुतः से कोइ साहस कोनो अभिभावक नहि कऽ रहल छलैए। एम्हर एकटा शिक्षित महिला वर्गक एकटा भेलै ई जे भीतरका ओकर सभक आह्वान भेलै जे अपन भावना नहि रोकी अपन कथन कहबे करी तऽ बहुत गोटाके अपन संवेदनाके सङ्ग जे लेखन कयलनि से किछु नामे बदलिके से अपन रचनाके प्रकाशित करौलनि। तऽ एहिमे हमरा जनैत सबसँ बेसी चर्चित श्रीमती लीली रहै छथि। एहिठाम रहितै तऽ हमरा सबके बहुत गौरव होइत छै आ ओ व्यास नहि छनि जे नहि आबि सकली। एकटा रंगीन हमरा एकटा कथा बहुत मोन पड़ि रहल अछि तैँ ओकर चर्चा करै छी जे रंगीन पर्दा एकटा कथा छपलै वैदेहीमे 1960 के दशकमे भेल छल 54-55 तऽ ओ एतेक चर्चित भेलै एतेक चर्चित भेलै लेकिन ताकऽ लगलै देव शंकर नवीन जी किछु कहऽ चाहै छथि। हम क्षमा चाहै छी मेला के आयोजक विशेषसँ निवेदन लिए जे एहिठाम डिस्कशन तऽ समस्त भारतीय भाषाके लेल होइ छै आ एहि सब आयोजनके रिपोर्टिंग कयल जाइ छै तऽ मेला कमिटी दिससँ मेलाके आयोजन समिति दिससँ जे दूटा वॉलेंटियर एलखिन रिपोर्टिंग लए हुनका बुझैमे किछु नहि आबि रहल छै तऽ जँ ई बात से श्रोता वर्गके आ वक्ता लोकनिके अन्यथा नहि लागनि तऽ जँ एकरा हिन्दीमे करैके कोशिश हम हिन्दीमे करब आ पहिने मैथिलीमे शुरू केलहुँ हँ तऽ 2 मिनट हमरा मैथिलीमे कहब जे फेर हम हिन्दीमे कहब। हमर जे एकटा आग्रह अछि आदरणीय देवशंकर नवीन जी छथि कमसँ कम मैथिलीके सत्र तऽ मैथिलीमे बातचीत होइ ई हेबाक चाही। यदि घरेमे मैथिली नहि रहती आ बल्कि ओ कऽ की देथिन तऽ समग्रमे अन्तमे कनिक एहि सम्बन्धमे किछु संक्षेपमे हुनका सबके जानकारी दऽ देथिन तऽ से बेसी नीक रहत। ई हमर हार्दिक आग्रह कृपया। एकटा रंगीन पर्दामे छलैए सास आ जमायके सम्बन्धक चर्चा
अवैध ओकरा मानल गेल छै परिवार में केना होइ छै किया होइ छै एहि पर ततेक बढ़िआँ जकाँ विश्लेषण ओहि रंगीन पर्दामे कयल गेलै जे ताका लगलखिन बहुत गोटा बुद्धिजीवी सबके लिखलनि हँ कतहु कल्पना शरण नहि भेटलखिन कल्पना शरणके नामसँ इएह कहलहुँ जे अपन अभिव्यक्ति एक दिस अपन संवेदनाके अभिव्यञ्जना ओ महिला वर्ग रोकि नहि सकै छलै दोसर एकटा मारि थापड़ लगबाके डर से नाम नहि लिख सकै छलै हँ जेकि हमरा हमर तिरस्कार करत के भर्सना करत ताहि दुआरे कल्पना शरणके नामसँ लिखलनि आ बहुत दिन तक ओ नुकैले रहलै एकेटा ओ कथा जब रंगीन पर्दा हुनकर छपल रहतनि तैयो ओ बहुत प्रतिष्ठित भऽ गेल रहतनि 10 वर्षक बाद मरीचिका अयलनि हुनकर बृहत उपन्यास ओ मैथिली एक आदमी पटनासँ छपल छलैए ओहोमे जाहि तरहक ओ बहुत गूढ़तासँ बहुत संवेदनशीलतासँ महिला सशक्तिकरणक चर्चा केलखिन हँ पहिने तऽ अबला कहिके जे महिलाके तिरस्कार होइ छलैए ओकर उपेक्षा होइ छलैए तकर खूब ओकर वर्णन कयलनि हँ आ तकर बाद से ओकरा सशक्तिकरणके केनाके रूप देलखिन हँ ओ बृहत उपन्यासमे ओ सबके ध्यान आकर्षित कयलनि ई दिल्लीसँ साहित्य अकेडमीसँ ओ पुरस्कृतो भेलै फेर हुनकर 6 टा पोथी सरिसा पाहीके साहित्यिक संस्था एहि विषयमे हमसब आयब बादोमे हम मात्र अपनेके शुरुआती कनिक अनुभव चाहै छलहुँ जी शुरुआती बस नेपालका जी छथिन हुनकर सबहक हिनके पार छनि डॉक्टर शेफालिका वर्मा आगू कहब चाहै छी इएह हमरो संकासित ओही समाजमे रहै छी तऽ एकटा दूटा अपन नामसँ कविता छपल तनाके ओकरा लोकसँ पूछऽ लागल हम अपन नाम केहन हमर नामकामाख्या छी तऽ कतेक बदलि देलियै जे कामाख्या निर्धारणमे कोनो अथी नहि छै जे आओर दोसर के पढ़त ई चर्चा छलै हँ जे जखन कोइ विचारे नहि पूछैए तऽ तखन हम रचना किया पढ़त आ के पढ़त शौक छलै अपन भावनाके दावब हमरा तऽ सम्भव नहि छलै तऽ चुपचाप लिखके लिफाफमे दऽ के पठा दै छलियै लेकिन लेकिन डर बनल छलै हँ हमरा तऽ चीन जाय तऽ फेर की हेतै से नहि छै तऽ छपि गेलै लेकिन प्रशंसित भेल तखन हमरा उत्साहो बढ़त हमर बाबूके मित्र छलखिन हँ मणिपद्म जी मधुप जी तऽ ओ सब कहलखिन से हिनके लिखल रहैए तखन पूछऽ लगला आबि कऽ तखन फेर हमरा डरो हटि गेल ततेक प्रशंसा हमरा भेटऽ लागल जे हमरा ओ डर हटि गेल आ ई तऽ अपन अपन वैचारिक स्वतंत्रता से एतेक प्रशंसा होइ छै से हमरा अनुभवो भेल जेकि हम बहुत बच्चासँ ओकरा हमरा आओर हिनकर सभक रचना बेसी नीक लागल अपने तऽ की करब तऽ लिखै छी हमरा व्यवस्था छै एहि दुआरे हमरा सनक गप हमर परिवारमे लोकसभ नहि करैए तैँ लिखै छी लेकिन हम हिनकर सभक चर्चाके बेसी बेर सोचै छलियै जी बहुत बहुत धन्यवाद हमरा लगैए जे अपन विचार कहबाक लेल सेहो शुरूमे एकटा ई संशय बनल रहै छलैए जे कोन तरहे समाज लेत हमरा की कहल जायत तऽ छद्म नामसँ नाम बदलि कऽ लिखनाइ स्त्री लेखनमे सेहो शुरू भेल छै हम डॉक्टर शेफालिका वर्मा जी आबऽ चाहब जे अपनेके शुरुआत की रहै मनस्थिति कोन चीज उत्साहित केलक प्रेरित केलक आ अखन अपन लेखनमे कोन चीजके विशेष रूपसँ आगाँ बढ़ा रहल छी हम सबसँ पहिले सविताजीके अमितके धन्यवाद देबै जे अपनेके नेपालसँ बजेलखिन ई टोकन भेलै जे हम मैथिली एहिठामसँ नेपाल तक पसरल छी ई हमर एकात्मकता भेलै आओर अपने सबके बहुत बहुत आभार धन्यवाद जहाँ धरि लेखनके सवाल छै हमर पप्पाके ने बहुत बड़का लाइब्रेरी रहै शरदचन्द बंकिमचन्द एहि सबके तऽ हमर बचपन जहियासँ होश आयल तऽ हमर बचपन बीतल ओहि साहित्यक बीचमे आओर तकर बाद हमरा लागल जेनाकि हमरा जहिया हम पैघ भेल गेलियै जेना भीतरसँ कोनो छटपटाहट कोनो बेचली हमरा आबैत रहै तऽ तखन हम हिन्दीमे कविता लिखैत रहियै हमर कविता सब चन्दा मामा बालक एहि सबमे छपैत रहै एकटा उम्र एलै एहन जे चन्दा मामावला हमरा कहलथि
जे अहां के कलता अब बच्चा समझ जो के नहीं रहल तो अब हमर उम्र हुए ना उम्र का रहलो ना उम्र का तो छपैत नहीं रहे लेकिन लिखित हम रही। अब सबसे पैघ बात रहे कि हमर ब्याह 15-16 बरस के उम्र में भए गेले तो मैथिली में लिखनाई जे छे से हमर पापा के कड़ा ऑर्डर रहे घर में मातृभाषा माँ और मातृभूमि तीन चीज के आदर की सब जिंदगी में नहीं गुजरी है तो हम सब 10 भाई बहन रही सब मैथिली में बाजित रहिए कोई हमारा सब कहते हिंदी के कोनो अथी नहीं रहे हमरो 6 बाल बच्चा ये सब मैथिली में बाजे है ककरो हिंदी के अथी नहीं रहे तो मैथिली में बाजना ही तो हम सब जानते रहिए कोर्स में कहियो मैथिली पढ़ लिए नहीं जानबे नहीं के लिए तो जब ब्याह भए गेले तो रामदेव झा रहथिन वर्मा जी के दोस्त रामदेव झा कहलखिन जे तोहर कनिया लिखे छथिन हिंदी में हुनका कहत मैथिली में लिखे ला एक चीज है जो हरिमोहन झा जी के साथ बच्चे से रह लिया हमारे पापा के दोस्त रहते हरिमोहन झा तो उनके संग संग हुनकर जो हम प्रणव देवता सब पढ़ लिए तखन हमरा लागल कि ओ मैथिली लिखलो जाए छे उनकी किताब पढ़ के तभी सब कहले लिखे ले अब हमरा लगे कि मैथिली भ गेले ल लेलके हम सहरसा जिला के मैथिली भ गेले ल लेलके हमरा लगे अजीब हमरा से नहीं हाथी भ गेले ल लेलके भाषा के घरों में हम सब बाजिए भ गेले ल लेलके तो लेकिन रामदेव जी के बहुत प्रेशर पड़ले तो हम पहलुक कविता हमारे साइट में जो ऊर्जा कहलते साइट में मिथिला मीर में निकल पावस प्रतीक्षा प्रिय नहीं आयल नहीं आयल दीप आरती बारल रहले आइयो धरी हमर अंतर में वह दीप आरती बारल छे हम आइयो धरी अपना अंदर में वह बिरहणी लेखिका के देखे छे बिरहणी कवित्री के देखे छे जना कोई कतो से बजा रहल हम बिकल रही छी लेकिन हम अपना आप के अथी नहीं कह सकै छी स्पष्ट नहीं कह सकै छी कि हम की चाहे छी हम अपन लेखन से अपनो संतुष्ट नहीं रही छी जे हम चाहे छी हम कहाँ कुछ लिखलहुँ हम लिखलहुँ सब किछु लिखलहुँ कहानी निकलो कविता निकलो सबटा किताब हमारे 12-13 किताब हमारे निकलल अछि हमर मैथिली कविता के यूएसए से शिकागो यूनिवर्सिटी से अनुवाद भेलै पेंगुइन सीरीज में छपले आ ओ एखन चलि रहल छै इंग्लैंड के बोर्ड के सिलेबस में छै माय विलेज लेकिन चलू तो हमरा लगे जे तीन गोटे के जे अनुभव सुनलो पहिल प्रेरित करे वाला अपने के रहल जे एकटा पठन परंपरा रहे घर में लाइब्रेरी रहे आदरणीय मिर्जा रेणु जी के वो भीतरे से जो विचार अपन मन में लागल बात सबके कतो अभिव्यक्त करी मुदा कोना करी से और डॉक्टर उषा किरण खान के जे एकटा पारिवारिक वो समाजवादी व कई तरह वातावरण रहन हर पिता के जे संलग्नता रहन से बेसी हुनका प्रेरित कलकन जे गामक लोग के लगाकर और दूटा और महत्वपूर्ण लेखिका के हम कहने रहे जे कोनो न कोनो रूपे हम सब सहभागी कराबे में तो डॉक्टर आशा मिश्र प्राय अपन लिखित मंतव्य छथिन पठने वो अखन ओमान में छ बेटा पुतोह लग से लिखित मंतव्य वाचन कर देवक लेल हम डॉक्टर सविता खान जी से आग्रह करबन आशा मिश्र जी हमरा से बीच में जे दूटा साहित्य अकादमी सर सम्मानित लेखिका नहीं छ एक डॉक्टर आशा मिश्रा और एक श्रीमती लिली रेने बहुत 5 पेज के हिंदर लेख छन ये अपन मैसेज भेजलखिन डॉक्टर आशा मिश्रा एखन बाहर गेल बेटी के पास विदेश में तैने एक्सेप्टली मुदा दिक लागे वाला 5 पेज नहीं है नमहर नमहर अक्षर में कनीय काल में पार भो हम देखने रही ते दुआरे कहे हिंदर छन जो सबसे पहल पुस्तक मेला हम गोवा में देखने छो किताबक रंग बिरंगक दुनिया हमरा रोमांचित कऽ देने छल की कीनू की छोड़ू अंततः अपन पर्स के देखैत 7-8 गोट पुस्तक कीन संतोष देने छलहुँ तहिया की बुझल छल जे कहियो हमरो लिखल किताब एक दिन पुस्तक मेला में अपन उपस्थिति दर्ज कराओत किछु वर्षक पश्चात दरभंगा में सेहो पुस्तक मेला लागे लागल कतबो कीनू संतोषे नहीं होइत छल बात मात्र पाई के नहि जेना जेना अवस्था बढ़ैत छै किताबक साथ सम्हार केनाइयो दुगरा होइत लागल मुदा तैयो किताब देख मोन ओहिना ललके लगैत अछि आ कीन के मोह संवरण केनाइ ओकर सम्हार के चिंता सँ बेसी मोहित करय लगैत अछि 10-15 दिन पूर्व ओहि एपिसोड के बारे में छनि जे हुनका आमंत्रण केने छलियनि हम हमरा ख्याल सँ स्किप करबाक चाही आर ओ नहि आबि सकली तैयो हम विदेश से ई संदेश देबय चाहब जे मैथिली आइयो
आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग, दिस इज इम्पोर्टेंट, उपयोग वही ढंग नहीं कह रहा अच्छे जै प्रकार से करे के चाहिए। आय के पीढ़ी वर्चुअल माध्यम से बेसी प्रभावित अच्छे ताहि द्वारे आदिकाल से लकर आय तक के सब स्थापित साहित्यकार जना विद्यापति, नागार्जुन, सुमन जी, मणिपद्म, किरण जी आदि के रचना सब कंप्यूटर पर उपलब्ध भ सके चाही तो मैथिली के बहुमूल्य लेखनी सतत कंटेम्प्रेरी बनल रहते तथा आय के पीढ़ी वही से लाभान्वित होत रह। किएक तो कतेको एहन बहुमूल्य पोथी आब हार्ड कॉपी में उपलब्ध या तो नहीं अच्छे या जल्दी नहीं रहत। ऑनलाइन पुस्तक उपलब्ध होबा से विद्यार्थी या कोनो शोधकर्ता के अनुसंधान सुलभ भ जेतन तें आदि प्रयास में लगबाक चाही जे टेक्नोलॉजी के माध्यम से एही भाषा के सबटा पुस्तक ऑनलाइन सेहो प्राप्त भ सके। दोसर जे भविष्य में बुक फेयर मात्र पैघ शहर में, दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, पैघ शहर में नहीं अपितु जिला स्तर पर, गांव के स्तर पर सेहो लगाओल जाए जाहि से ग्रामीण वर्ग में सरलता से शहर यात्रा नहीं कर सके छथि सेहो लाभान्वित होए। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज छनि हिनकर। निर्जा रेणु जी, शिफालिका दी के हम बधाई दै छियनि जे ओ एहि महान पर्व में उपस्थित भ सकली। समथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजर, कतबो पढ़लहुँ जे पुस्तक मेला में प्रत्येक वर्ष किछु नवीन करबाक चुनौती रहैत अछि। आशा करै छी जे मिथिला दर्शन, साहित्य, इतिहास, संस्कृति और भाषा में सब कुछ एही मंच पर अपन परचम लहराबैत रहे जाहि से मेला में आगंतुक मिथिला एवं मैथिली से परिचित भ सके। पुस्तक मेला में सब भाग लेनिहार के हमर हार्दिक बधाई और शुभकामना। नया साल सब लेल पठन पाठन के अवसर पर खूब सफल होए, बच्चा बच्चा साहित्य से जुड़ जाए तथा जे जुड़ल छे तिनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता भेटन। डॉक्टर आशा मिश्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दूटा महत्वपूर्ण बात जे मैथिली साहित्यक जे धरोहर सब अछि, अमूल्य संपदा सब छै, ओ सबहक लेल सहज उपलब्ध जे आइ के टेक्नोलॉजी छै तै माध्यम से उपलब्ध होय, ओकर संरक्षण सेहो भ जेतै आ सहज प्रसार सेहो भ जेतै। और दोसर जे साहित्य जनता से जुड़ल चीज, माटि से जुड़ल चीज माटि धरि पहुँचबाक चाही से एकटा महत्वपूर्ण बात। और लिली जे सेहो संवाद कयने रहथिन सविता जी, से संवाद के अंश एहिठाम प्ले कऽ देबाक लेल हम आग्रह करबनि अमित आनंद जी सँ। अमित जी जहाँ सुनि रहल छी और ओहि तरहक जगह में छी जतय अहाँ बजा सकी। अमित, हमरा लगे अहाँ सुनने हैब हमर बात। हाँ, लैपटॉप लेने छथि। अच्छा, ई समय लागे वाला सन बात भेल। अगर चलै छी बड़ बढ़िया बौद्धिक परंपरा जखन हम सब मिथिला में देखै छी तो गार्गी से जुड़ कर ए चीज के शुरुए से आगा अनैत रहलखिन हैं सविता जी। गार्गी होए, मैत्रेयी होए, बाद के समय में भारती के चर्चा आवे छन तो मिथिला में विद्वत परंपरा महिला में सेहो निरंतर चलित आबि रहल छै। मुदा बीच में आबिकऽ कोन एहन बात भेलै जे ई भयंकर खाइद अखनो जखन हम सब संस्कृति में देखै छियै तऽ ओ एकटा बौद्धिक वैशिष्ट्य के अवशेष सब अनेक ठाम हमरा सबके भेटैए। मुदा प्रस्तुतिकरण, प्रकटीकरण जे छै से बाधित छै भेल। एहि संदर्भ में डॉक्टर उषा किरण खान, की अपने देखै छियै कहिया से ई अवरुद्ध भेलै, फिर कतय से ई पाँख फड़फड़ेनाइ शुरू केलक? आँखि तऽ छलैए, पाँख फेर कहियासँ लगलै? हाँ, ई तऽ ककरो प्रश्न भऽ सकै छै कि जे मिथिलामे गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, घोषा इत्यादि अनेक स्त्रगण के चर्चा रहे आ तकरा बादो मध्यकाल में आबि कऽ सेहो भारती इत्यादि के परंपरा रहे, तै मिथिला में एहन मूर्खतापूर्ण स्थिति की भऽ गेलै जे स्त्रगण असूर्यम पश्चा भऽ गेलै? ई तऽ विचारबाक प्रश्न छै। लेकिन ई सब जे छै से अनेक कारण भेलै, जेनाकि हमरा अपना बुझने, चूँकि हम इतिहास पढ़ैवला लोक छी तैँ दुआरे हमरा बुझने जे
कुछ धर्म अराजनीतिक आक्रमण, धार्मिक आक्रमण अराजनीतिक आक्रमण दोनों कहबे हम, या तो धर्म नीति जे छे से एक सम प्रारंभ होइ छे राजनीति से, आ नीति जे छे से जेकरा कानून कहबे, एक तरह से कानून रहे छे, आ ओ धर्म ही हमर अपन विचार है, मतलब हम सामान्य विचार नहीं कहे छे, अपन विचार है, आ ओ एक बेर रूढ़ भ जाए छे जाकर, तो जखन रूढ़ भ जाए छे तो ओहिमे अनेक शाखा प्रशाखा निकलऽ लगे छे, जेना सनातन धर्म के भीतर से बौद्ध धर्म निकलले, बौद्ध धर्म में जे गौतम बुद्ध के जे कहल छलन हुनकर अनुयायी वो बात नहीं मानिकऽ अपन तरह तरह के महायान, हीनयान, वज्रयान, तंत्रयान, विभिन्न प्रकार के यान प्रारंभ कलके, वही हम ई कनी भामती जे हमर उपन्यास चर्च सेहो केने छी, जे ओही यान के कारण, चूँकि मिथिला जे छै से ओकर उत्तर में तिब्बत इत्यादि जे छलै ओ तंत्रयान के भूमि छलै, वज्रयान ओहिठाम जाकर पूर्णतया तंत्रयान भऽ गेल छलै, एखनो तक कालचक्र के पूजा करै छै ओ सब, तऽ ओहि तंत्रयानी सबके एक समय में से अनेक प्रकार एम्हरो मने सनातनो धर्म में एकटा होइ छलै कौलाचारी, तो ई साधु संत सब टाइप के लोग के बुझाइए बहुतायत भऽ गेल हेतै समय के अनुसार, जेना विभिन्न प्रकार के चीज एखनो बहुतायत होइत रहै छै, तऽ तहिना बहुतायत भऽ गेल हेतै, आ ओ आश्रम सँ लड़की सबके उठाबऽ लागल छलैए अपन यान तंत्रयान के या कौलाचार के तहत, लड़की कन्या के बिना ओकरा सबके ओ काज नहि पूर्ण होइ छलैए, तऽ एहि सब चक्कर में लोक सुरक्षा के कारण अपन अपन धियापुता के आश्रम से हटा लेलकै, बेटी के हटा लेलकै, ओकर बाद अहाँके जे मनु ई सब इत्यादि अनेक मनु में से एकटा मनु कहै छथिन अष्टवर्ष से भवेद गौरी, तऽ ओहो अहि दुआरे कहने हेथिन जे 8 साल के लड़की के बियाह कऽ दियौ, बियाह कऽ देबै तऽ ओ सिन्दूर लागि गेलै, सिन्दूर के परम्परा शुरू भऽ गेल रहै, तऽ ओ सिन्दूर जहन लागि जेतै ओकरा माथ मे तहन ओकरा नहि उठेतै तंत्र करै के लेल, तैं दुआरे शिक्षा दीक्षा समाप्त भेलै, ई तऽ भेलै किया समाप्त भेलै, हेतै हमहुँ कहै छी पूर्णतया सही बात, कोनो इतिहासकार नहि कहलकै यऽ, हम किया कहबै हमहुँ नहि कहबै, लेकिन ई एकटा कारण अनेक कारण में से एकटा कारण भऽ सकै छै, किन्तु ओहि बीच में स्त्रीगण पुरुष वर्चस्व तऽ बढ़ि रहल छलैए, मात्र स्थानीय जे छलैए जो जे समय में याज्ञवल्क रहथिन, मैत्रेयी रहथिन, गार्गी रहथिन, कात्यायनी रहथिन, गार्गी हुनकर पत्नी नहि रहथिन, सब जानै छी कि ब्रह्मवादिनी रहथिन, आ हुनका सङ्गे हुनकर बहस चलैत रहनि, तऽ जखन मने गार्गी बहस करैवाली छलखिन, कए टा बात ओ मनवा लै छलखिन याज्ञवल्कसँ भरल सभामे, ओ याज्ञवल्क जखन ई बात कहलखिन कि जे हम आब धन सम्पत्ति दुनू पत्नीमे मैत्रेयी आ कात्यायनीमे हम बैठ लै छी, आ आइ जा रहल छी हम वन किया भए तऽ अमरत्वके प्राप्त करऽके वास्ते, तऽ तखन कात्यायनी घरेलू स्त्री रहथिन ओ तऽ मानि लेलखिन, मैत्रेयी कहलखिन जे ओ अहाँ अमरत्व प्राप्त करब तऽ हम की करै लए ई धन सम्पत्ति लग रहब, हमहूँ अमरत्व प्राप्त करब, तऽ एकटा स्थिति ई रहै स्त्रीगणके, तऽ स्त्रीगण जे छै मिथिला क्षेत्रके ओ मानसिक रूपसँ वैचारिक रूपसँ वएह छै मैत्रेयीके भावना वाली, गार्गीके भावना वाली, सर्वतंत्र स्वतंत्र मोनसँ, तऽ मोनसँ जे छै तऽ ई स्त्रीगण हमरा बुझने जे कहियो अपनाके व्यक्त केनाइ नहि रोकलकै, अहाँके मिथिलाके संस्कृति बचल कथीसँ, ओहि स्त्रीगणके लोकगीतसँ, लोक कथासँ, आ ओ जे चित्रकारी करैए नीचामे अरिपन आ देवालपर जकरा आइकाल्हि मिथिला पेंटिंग कऽ कऽ सौँसे वर्ल्डमे नामी अइ, ओहीसँ, किएक तऽ ओहिमे अहाँके हर कोनो एहन वस्तु नहि छै जे मिथिलामे नहि भेटैत हुए जे ओहिमे नहि हेतै, संस्कृति अहाँके स्त्रीगण एनाही बचा कऽ रखलक, शास्त्रीय ढङ्गसँ भले बाधित भेल होय मुदा लोक परम्परामे, लोक जीवनमे ई निरन्तरता पौने रहल,
एकटा किछु पाँचमे हम कॉल करै छलहुँ हँ जे मानैत छी जे अखन नहि अछि दुनियाके भूगोलमे, तैयो हमसब बचा कऽ रखलहुँ जकरा माइक बोलमे सोहर लगनी जटा जटिनकी झिझिया साँझ परातीमे एकहकटा मिथिला जीवैए एकहक मैथिल छातीमे। तऽ ओ मिथिलामे छाती मिथिलाके छातीमे जियाबयवाली महिले सब रहलथि हँ। आओर दोसर एक श्रमिक वर्ग जकर बात करैत आयल छथिन किसान वर्ग, ई सब जिया कऽ रखने छथि, अहूपर हमसब आयब। अपनेके केना बुझाइए जे बीचमे अपनेके एकटा महिला लेखन पर पोथी सेहो अछि, इम्हर आबि कऽ जखन महिला सब लिखऽ लगली मैथिलीमे शुरुआतमे के देखल जाइ छथि, एकदम शुरुआतमे कोना फेर शुरू भेलै लम्बा समयसँ जे रुकल रहै चरम रचना जे छै जी ओ मैथिली मैथिल महिला द्वारा कहियो बाधित नहि भेलै लुप्त नहि भेलै गुप्त छलै लुप्त नहि भेलै गुप्त छलै किया तऽ आक्रमण भेलै विदेशी सभक आक्रमण ताहिसँ नारीके अस्मिता पर आघात पहुँचऽ लगलै आ एहिमे सिर्फ नारीके उत्पीड़न नहि कहबै आरम्भ तऽ किछु बौद्धिक पुरुषे द्वारा भेल हेतै जे ब्याह करा दियौ एक आ घरके भीतर रखियौ जे कतौ भेटबे नहि करतै महिला तऽ उत्पीड़न ककरा करतै। तऽ ई हमरा एकटा हमरा बुझल नहि अछि लेकिन एकटा हमरा कल्पना ई छी जे ओहिमे नारी वर्ग सेहो सहमत भेलै जे किया ओकर अपहरण हेतै किया ओकरासँ बहुत पैघ प्रेरणा सहऽ पड़तै। तैँ ई परम्परा मुदा पश्चात चलिके एहि परम्पराके से एकर दुरुपयोग भऽ गेलै आ एकटा सामन्तीय वर्गके ओ दिमाग छल हेतै जे सबटा अधिकार सनेह सनेह आर्थिक अधिकार अभिव्यक्तिक अधिकार छीनल जाय लगलै। मुदा इएह कहलहुँ जे ओकर भावना रहलै से कहियो दमित नहि भेलै तऽ विभिन्न गाथा द्वारा विभिन्न गीत द्वारा आब एकटा लोकगीत अखन हमरा मोन पड़ि रहल अइ जनु देह आहे बाबा चोर चंगाल घर जनु देह तपसी भिखारी छोट गगरिया गठरिया बाबा सहस्र जेठी बांधत मारत बिन अपराध। तऽ ओ तऽ नारियेटा कहि सकै छै एहन एहन भावना सब लोकगीतमे छलैए। तऽ कहियो ओ कुंठित नहि भेलै मुदा नाम तऽ छलैए ने नाम जायब तखन तऽ ओ परिवारके बेइज्जति भऽ जेतै ओकर प्रतिष्ठा पर एहन पहुँचतै ताहि दुआरे नाम नहि देल गेलै। तऽ स्वतंत्रता प्राप्तिक पश्चात इएह जागरण भेलै जे ओकर नाम भारतमे जे स्वतंत्रता प्राप्ति भेलै तऽ ओ राजनीतिक रूपे जे एकटा वातावरण एलै ओहिसँ महिला सबमे सेहो एलै ई अहाँ कहलियै जे ओ कुंठित भेलै बाधित बाधित कहियो नहि भेलै लेकिन ओकर नाम आगाँ आबऽ लगलै नारीके आगाँ आयब एकटा गौरवके विषय बनऽ लगलै आ आब तऽ ककरो नहि ओ कुंठा छै नहि हुचक छै आब सब अपन खुलि कऽ ई अपन कहै छै हम ई कहै छियै हमर ई विचार अछि आ ई कहियो आब सबके जेना ई लेखक ई विचारक आब कहब कोनो परिवारक हेतु कोनो समाजक हेतु कलंक नहि बल्कि गौरवके बात मानल हमर। जेना डॉक्टर उषा किरण खान कहलखिन राजनीतिक आओर धार्मिक एकटा जे पक्ष रहलै से एहिमे किछु महत्वपूर्ण अथी केलकै खास कऽ कऽ यदि कहल जाय जखन यवन सभक आक्रमण भेलै तकरा बाद तऽ महिला प्रति बेसी वन्देश सब शुरू भेलै एकटा सहकार्यके जे वातावरण रहै शुरूमे जखने हमसब पुरान बात देखै छियै जे विद्वत सभामे गार्गी छथि शास्त्रार्थ करै छथि तऽ पुरुष स्त्री सङ्गमे बैस कऽ विमर्श करै छलथि ओ जी ई यवनके आक्रमण तऽ दसवींके बाद भेलैए दसवीं शताब्दीसँ पहिने जे अन्धकार युग अहाँके आयल हय तखन कोन यवन रहै हम कहलहुँ जे बौद्ध राजनीतिक भेलै बौद्ध जे छै ओ तऽ राजनीतिक सत्ता उभरि कऽ आबि गेलै बादमे ने पहिने धर्म रहै फेर राजनीतिमे आबि गेलै तऽ ओ बौद्ध सत्ता जहन उभरलैए तहन जे ई संघर्ष सनातन आ बौद्धके संघर्ष भेलैए ताहि बीचमे तंत्रयान उभरलै
ओहि तंत्र यान के काल में स्थगन पर असर पड़ले जी ओहि में यवन नहीं आयल छले यवन तो ओहि ठाम से जो शुरू भेले बौद्ध जैन आदि इत्यादि के बीच में से अहि ठाम आबका और ओ चरम पर पहुंचले वह बात छ त ओ यवन के काल में ई बात नहीं भेले ए तो पहिने ही अहाँ के असुरियम पश्चा भ गेल छले स्थगन हाँ पहिने जी जी यवन से पहिने अच्छा जी श्रीमती खान वो एकर अध्येता छे इतिहास बिल्कुल बिल्कुल जिनकर बात अकाटी भ सकैए या तो लेकिन हमर कल्पना छले है ये जवन के अलग बाद एक दृढ़ता वो बढ़ले ही है खाली बढ़ले ही जवन के अलग बाद और वो चरम पर पहुंचले और ये सही बात छे हाँ जी तो हमरा सबके क्लिप से तैयार भ गेल तथापि हम अही विषय पर एक बेर पहिने डॉक्टर शेफालिका वर्मा जी के हम विचार ली जे बाद में जखन शुरुआत होले अभी पुरान चीज चल आये शुरुआत में कौन चीज बेसी प्रोत्साहित कल के जे आब एबाक चाही जी एमे भेल के अपन हमर अपन ज्ञान की बात छी जे एमे जना गार्गी छे मैत्रेयी छे सब छथिन सब याज्ञवल्क से वाचस्पति मिश्रा से सब बराबर रहल छी ने ओ हरलखिन ने ओ हरलखिन आ ओ चलैत रहले तकर बाद अहाँ समाज साहित्य समाजक दर्पण छियै मुगलक आक्रमण भेलै हिंदू मुसलमान एक दूसरा के दुश्मन भए गेलखिन ओहि समयमे भक्ति कालमे तुलसीदास के आविर्भाव भेलै तुलसीदास रामचरित मानस लिख के चाहलखिन कि जे एकटा मने सगुण ब्रह्म के उपासक मे ओ चाहलखिन जे दोनों के एक करी दोनों आदमी के आदमी से जोड़ी मानस ओ लिखलखिन लेकिन ओहि मानस के पीछा प्रेरणा हुनकर पत्नी रत्नावली रहथि रामचरित मानस कोनो शक्ति के आई हमरा सब में बहुत संस्कार छै जब तक से सब ओहि से ले किंतु ओ जे नारी के रूप में जो बहुत तरह से जे ली देलखिन पर आदमी ने सपने हो सुख नाही पर आदमी के कदरा कहै छै जे नौकरी करै छै सेहो पर आदमी छै तो पर आदमी स्त्री किया भेलै लड़का लड़की दुनू किया नहीं भेलै अपने जे हम कतौ पढ़लो रही जे कहल जाय छै जे नारी जिंदगी भर ककरो ने ककरो अधीन कहियो छोट में पिता के अधीन बाद में पति के अधीन बाद में पुत्र के अधीन ई नहीं भ सकै छै नहीं भ सकै छै कि नारी शक्ति छियै ते ई जखन अहाँ देखियौ नारी मुक्ति के कथन चललै जखन भारती और अथी में मंडन मिश्र के जे शंकराचार्य से हुए लागले शास्त्र ओहि समय मंडन के पैसा से भारती उठलखिन ना कहै छथिन जे हम हमरा से बहस करू तखन हमरा से तर्क करू ओ तर्क ले जे उठलखिन साथ तो नारी के आंदोलन के बिया वही समय पड़ गए भारती के जे ओ बहस रहले शंकराचार्य के संग तखने उत्तेजना ओहि में आबि गेले अभी मानस के टाइम में मुगलों के आक्रमण के टाइम में जे भाग लेल लड़की सब कनिटा दमित भए गेलखिन स्त्री के शोषण हुए लागले स्त्री के पराधीन भ गेले कुकर पेट में कतौ घी पचे और मन एक तरह से स्त्री के नेग्लेक्ट कर गए समाज में स्त्री अपना अस्तित्व के विसर गए लेकिन धीरे 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 समय बदलित गए समकाल में समय बदलित हम तो अपना आँख से देख लो स्त्री की स्थिति रहले हैं जना गोदाम में राखल जो बोरा रहे छे ओहिना स्त्री की स्थिति रहले हैं गाम घर में सब कुछ रहे ओकरा की क्रम मन नहीं होय छे बच्चा नहीं होइ छै तो बाध भए जाइ छै ओ डाइन भए जाइ छै ओकर 15-16 वर्ष के लड़की विधवा भए जाइ छै कतौ ने कतौ एहिठाम एहिठाम चिंतन के रूप में अपने के नहीं बुझाय अखने अपने कहलिए जे नहीं कोई वो कहियो पराधीन नहीं है दोसर दिस कहै छै जे गोदाम में राखल बोरा जका भाव है बनेने के छै नहीं देखियो गाजी के समय में कते बढ़िया सब चीज चल रहे एकदम दोनों बराबर रहती सब इएह छलै ओहिमे जीत हार के बात छोड़ल जाए सबसे पैघ बात छलै जे संग में बैस के बात विचार होइ छलै विमर्श होइ छलै कतेक साल तक हमरा सब पराधीन रहलिए मुगल के बाद अंग्रेज के ई सब के समाजक जे स्थिति रहले वह स्त्री पर पड़लै और तकर बाद स्त्री के एक्चुअली वो अपन अस्तित्व के नहीं बुझ सकले विसर गेले आ आई जबकि वो अपना चिन्ह लागले कि हमरा में आ हुनका में की अंतर छै बलात्कार होइ छै तब पुरुष किया भागल रहै छै नारी किया दमित भए जाइ छै ई सब केतना ओकरा में आब आबे लागले ई विज्ञान के कहू अति वैचारिक क्रांति या वैज्ञानिक क्रांति जे भए गेलै क्या एहि मे स्त्री के दोसर कहै छियै जे एना किया भेलै अहाँ बताबू जे कतेक
अहाँ तो मामूली छोट सनक बात जो कतेक आज तक आई थी जो 50-55 शायद साहित्य अकेडमी अवार्ड भेटल हेतै छोट सनक बात पांचे का स्त्री अहाँ के योग्य भेटल जरा अहाँ अवार्ड दिलिये सक्षम सातम किया न दिलिये स्त्री लेखन नहीं होल छे स्त्री लेखन आ पुरुष लेखन अलग नहीं होल छे लेखन लेखन छे एक अहाँ नहीं बैठ सके छी अहाँ खाली पुरुषे पर नहीं लिखे छी अहाँ स्त्रियों पर लिखे छी हम खाली स्त्री हमर जन्म भेल 9 अगस्त के हमरा सत्तरिये क्रांति माफी चाहे छी लेकिन स्त्री के बहुत तरह से हर साल अहाँ पूजा करै छी लक्ष्मी पूजा दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा लेकिन नहीं जानै छी जे ओ सबटा स्त्रिये छै नहीं तो सब छियै शक्ति के बिना शिव सब छै ई अहूँ जानै छियै एहि दुआरे दुनू तरहक बात अबैत रहलनि दमित कयल गेल बात सेहो आबि रहल छै आ दोसर दिस जे नहि ई तऽ एकटा स्वाभाविक बात सेहो छै महिला कहियो पुरुष के अधीन नहि हुनकर एकटा स्वाभाविक जे गुणधर्म छनि ताहि अनुसार सेहो चलै छथिन तऽ यद्यपि कहबी सबमे आइकाल्हि बड़ा विचार प्रयोग करऽ पड़ै छै पिता के अधीन खाली बेटी का नहीं रहे छे बेटा बेटी दोनों पिता के अधीन रहे छे पति के अधीन स्त्री नहीं रहे छे पति और पत्नी एक दूसरा के प्रेम के अधीन रह के दोनों परिवार के चलावे छे पुत्र के अधीन माँ नहीं रहे छे अभागल हो ये वो माँ जे कहे छे हम तो बेटा लग छी हमरा बेटा रखने ये तो तकरे आए जे देख रहल छी सब ऐ चीज के जे तुलसीदास कहलखिन ऐसे नारी सब पर बहुत ज्यादा अथी पड़े ढोल गवार शूद्र पशु नारी की नहीं तुलसीदास कहते हैं कि नारी के मनोबल के खसाई गई थी जी तो एक बात आल हम कतौ ने कतौ हमरा एक बात में हम बड़ा बेसी फिरछाल जगह नहीं भलों फिर आप चर्चा आगा बढ़ाब अखन एक बेर लीली रे जी के जे साउंड क्लिप छन कनिकाल ओ सुनू कोन विदहत्व के भाव से ओ लिखल करी छथि आ केहन अभिव्यक्ति छथिन देने लिली रे जी लिली रे के ई तस्वीर हमरा लगैए जे बहुत गोटे देखनो होयब एहिठाम सेहो अछि केना सफल हुए नीक जकाँ चले शुभकामना अछि हमर अहाँ बहुत पैघ प्रेरणा छी हमर सबके बहुत पैघ हम तऽ खाली लिखलहुँ लेकिन अहाँ लोकनि जे ऑर्गेनाइज करै छी ओ बहुत कठिन काज होइ छै आ से एकदम लगातार कऽ रहल छी बहुत बढ़िआँ अहाँ लोकनि सफल होइ शुभकामना करै छी मुदा अहाँ लिखतियै नहि तऽ किछु नहि हेतै अहाँ नहि लिखतियै तऽ बिना लेखनीके आयोजन केना हेतै अहाँके लेखन सबसँ बेसी महत्वपूर्ण आयोजन नहि लिखै के तऽ सदैव गप्पी लोक रहलहुँ लिखै छियै लेकिन ई सब जे ऑर्गेनाइज छपैक पर्यंत हमरा नहि बुझल रहै जे कतऽ केना लोक लिख करै छै ओ सबमे एकदम अक्षम छी खाली खिस्सा का लिख सकै छी अद्भुत किस्सा सब पसंद पड़े अहाँ लोगों के तब सार्थक भेल अहाँ लोग अद्भुत काज कर रहल छी बहुत नीक काज कर रहल छी आ एतेक बढ़ा लेलहुँ हैं जतऽ जे मैथिल रहलन हैं किछु ने किछु कैये रहल छथि आश्चर्य होइए जे केना अहाँ लोग एतेक बढ़िआँ से कऽ रहल छी सबटा सब किछु सफल हुए नीक जकाँ चले शुभकामना अछि हमर अहाँ बहुत पैघ प्रेरणा छी हमर सबके बहुत पैघ हम तऽ खाली लिखलहुँ लेकिन अहाँ लोकनि जे ऑर्गेनाइज करै छी ओ बहुत कठिन काज होइ छै आ से एकदम लगातार कऽ रहल छी बहुत बढ़िआँ अहाँ लोकनि सफल होइ शुभकामना करै छी मुदा अहाँ लिखतियै नहि तऽ किछु नहि हेतै अहाँ नहि लिखतियै तऽ बिना लेखनीके आयोजन केना हेतै अहाँके लेखन सबसँ बेसी महत्वपूर्ण आयोजन नहि लिखै के तऽ सदैव गप्पी लोक रहलहुँ लिखै छियै लोक लेकिन ई सब जे ऑर्गेनाइज
छपा प्रजन हमरा नहीं बुझल रहे जे कतौ केना लोक लिख करै छै ओ सब में एकदम अक्षम छी खाली शीशा का लिख सकै छी जी तो लिली रे के देखलौं जे बस गप्पी लोक छी ओहिना बाजल करै छी छपायब तक नहि बुझल रहे तऽ जे सब बात आबि रहल अछि तकरे निरन्तरता अहूमे हम देखलौं जे विचार तऽ निरन्तर आबिये रहल छै आओर ई विचार के संवाहक बीच के कालखंड में जहिया महिला के अभिव्यक्ति वा समाज के पेनी वाला जे वर्ग होइ छै तिनका सबके अभिव्यक्ति के बाधित कयल गेल छलै वंचित कयल गेल छलै तैयो कोनो न कोनो तरह सृजना में वो आबिये रहल छलै और एकटा ई कहल जा सकैए जे धीरे धीरे ई पुरुषवादी प्रवृत्ति जै तरह आदरणीय डॉक्टर उषा किरण खान कहलखिन जे बौद्ध धर्म के जे आगमन भेलै तकरा बादे से शुरू भेलै इस्लाम के बाद ओ कनिक और बढ़ गेलै और ई परिपाटी की होइ छलै जे समाज के कनिक ऊपरका जे वर्ग होइ छलै ओ शासन संगे सत्ता संगे लग हेबाक कोशिश करै छलै तऽ लग हैब माने ओकर नकल करब शुरू करै छलै तऽ ओहि तरह चलि गेल और जे एकदम पेनी के वर्ग छै ओ कोनो न कोनो लोभ में सेहो कहियो काल के पड़ि जाइ छलै और धर्मांतरण होइ छलै ओहि तरह चलि जाइ छलै बिचला वर्ग कहुना के बचा के राखत तऽ विचार तऽ अबै छलैए ओहि विचार के नुका कऽ बुझू कहुना छद्म नाम सँ वा बिना नाम सँ निरंतर प्रवाहित करैत जा रहल छलैए तऽ एकटा एहिमे ओ पुरुषवादी मानसिकता सेहो तऽ बीचमे कतौ न कतौ भेल भऽ सकै छै जाहिमे हम एहिना सुनने रही पढ़ने रही जे दलित आ वा शूद्र और महिला हिनका सबके पठन पाठन सँ वेद सँ दूर कयल गेल रहनि और कान मे सीसा पघला कऽ दऽ देल जाइ छलै सामान्यतः एकेटा बात जे सब पढ़ि लेत सब पढ़ऽ लागत बराबरी में रहत तऽ घर के चलायत आ हर के चलायत ई हर आ घर के कारण सँ ई खाद बनायल गेल छै डॉक्टर खान हाँ सही तऽ इएह छै जे वर्ग छलैए जकरा ब्राह्मणवादी वर्ग कहल जाइ छै या ब्राह्मणिकल जकरा कहल जाइ छै ओ ब्राह्मण एकटा रूढ़ भऽ गेलैए ओ ब्राह्मण कोनो जाति नहि छै ओ एहि प्रकारके वर्ग छलै जे अहाँके रास्ता देखबै छलनि एना करू आ ओहि रास्ता पर सब चलै छलैए राजनीति ओकरा पाछू पाछू चलै छलैए धर्मनीति ओकरा पाछू पाछू चलै छलैए तऽ ओ एहन बात नहि छै जे बौद्ध भेलै कि जैन भेलै तऽ ताहिमे ओहि प्रकारके वर्ग नहि छलै ओहूमे छलै किएक तऽ कोनो बौद्ध जे भऽ गेलै तऽ जे अहाँके मजदूरी करै छलै ओ बौद्ध मालिक नहि भऽ गेलै मालिक मालिके रहलै मजदूर मजदूरे रहलै ताहि दुआरे ओ सब होइत रहलै लेकिन एकटा मनमे भावना आओर एकटा सैकड़ों साल होइत होइत हजारों साल तक अगर अहाँ स्त्री के धीरे धीरे अधिकार सीमित कऽ देलियै सबसे पहिने तऽ अहाँ सीमित केलियै जे अहाँ बाल बच्चा पोसू स्वाभाविक छै स्त्रीगत जा बच्चा संतान ओकर दूध पिबैत रहतै ता ओ किछु दोसर काज नहि कऽ सकतै ओ जंगल जाकर शिकार नहि करतै नहि किछु एहन काज करतै जे पुरुष कऽ सकैए तकर बाद फेर बच्चा संतान तऽ कोनो अन्ते नहि छै तऽ ओ तऽ घर आ संतान देखैमे रहि गेलै तहन ओकर धीरे धीरे आ ई तऽ आस्ते आस्ते ओ एकटा अफीम भऽ गेलै नहि सघनके अफीम दऽ देलकै एहि प्रकारके अहाँ घरमे सीमित रहू आओर एहन जे सामंत छलाह या जे खेती गृहस्थी राजपाट केनहार बहुत बड़का लेकिन जे मजदूर वर्ग छलैया ओ तऽ दुनू स्त्री आ पुरुष सङ्गे मिलकर काज करै छलै अहाँ ठीके कहलियै जे देखाउंस पर ओ उच्च वर्ग के देखाउंस पर आस्ते आस्ते ओहो से अपना स्त्रीगण के अपना से छोट मानऽ लगलै हालांकि ओ सब रहै के बराबरे टाइप के लेकिन ओ समय छलैया जखन एतेक कठोर भऽ गेलै
ये स्थगन जो कोनो बात हमरा से करे तो हमरा बराबरी में आ गया बराबर तो चले जहन पति या पत्नी चले तो एक दूसरा के बराबर चले लेकिन हमरा बराबरी में आब कर ओ जे मन हेतु कर निरंकुशता भंग हुनकर होइ छलनि ने तो ज्ञान हेतु बेसी तखने ने वहां के जवाब देत बिल्कुल तै दुआरे ओकरा शिक्षा से एकदम वंचित कर देल गेल जे कान में शीशा दे दियो आ जहन पढ़ल लिखल अहाँ के दलित वर्ग है तो वो फिर वहाँ के क्या अहाँ के खेती कर बिल्कुल ज्ञान जखन गुंगिया ला जाए तो बस चक्रवात अज्ञान बना ये मूर्ख बन अहाँ नेपाल से छी तै एक बात हमरा मन पड़ी है जे एक फेर कोनो अंग्रेज बहादुर के कोनो नेपाल के पुराण कोनो शाह हेता राजा हेता जे हेता से कहलखिन जे आंदोलन चले छले बहुत जोरदार भारत में तो कहलखिन जे आप जगह जगह स्कूल खोल दीजिएगा लोगों को शिक्षित फिर से करने लग जाइएगा आंदोलन तो होगा ही तो कम से कम ये बात तो भले ये स्रगन के शूद्र के मूर्ख बना देल गेले जैसे कि बहुत दिन के बाद वो जा गेले अपन अपन जे गोटी सुतारा के काल से निर्वाह चलत निर्वाह चलत रह आदरणीय डॉक्टर निर्जा रेणु आशा मिश्रा जी के बात हम सब सुनलहुँ जे मैथिली साहित्य के सेहो व्यापक बनेबाक लेल कनिक विज्ञान से जोड़ब आवश्यक छै तै तरहक भाव हुनका में रहन अपने ई विज्ञान के स्त्री के प्रगति में कोन तरह लै छी स्त्री लेखन के बहुत आवश्यक बिंदु पर श्रीमती मिश्र ध्यान केंद्रित कलन है लेकिन विज्ञान के प्रगति भेलै है जे कोनो वस्तु बहुत सुलभ भ गेलै है सब ले जीवन में बहुत सुलभ की सुख आबि गेलै है मुदा एना किया भेलै है इ एकटा बौद्धिक वर्ग के प्रश्न चिन्ह ठाड़ करै छै जे एतेक सुख सम्पन्नता के वस्तु अबितो से वैचारिक ह्रास किया भेलै है जे जेना छुरी छै तऽ तरकारी काटब आ छुरी लऽ कऽ ककरो मारब तऽ आइ काल्हि ओ जतेक साधन अयलै है ओहिसँ ओ पतन मानसिक पतन एकटा हमरा बुझि पड़ैए अपने कहै छियै छुरी छियै ओहिसँ तरकारियो काटल जा सकैए गर्दनो काटल जा सकैए तऽ छुरी के नहि ने दोख छुरी के नहि दोख विज्ञान तऽ छुरी भेल वैज्ञानिक पद्धति से जोड़नाइ बहुत ठीक छियै आवश्यक छै ओ बहुत नीक बात कहलनि है एहि बिंदु पर आगाँ बढ़ल जाए हम ओकरा स्वीकार करै छी जी हम डॉक्टर शेफालिका वर्मा जी से आबै चाहब जे स्त्री लेखन के विषय में स्त्रीय जखन लिखती तखने ओ स्त्री लेखन भेलै जेनाकि प्रदीप बिहारी के काल्हिखन हमसब चारिटा कथा के नाटक देखलहुँ घाट पर जाय वह राजकमल चौधरी के जे कथा सब वह डॉक्टर धीरेन्द्र के बहुत रासे लेखक सब छथि जे स्त्री मनोभाव के मनोविज्ञान के बहुत मेही ढंग से देख कर प्रस्तुत करैत आबि रहल छथि कि हुनका सबके लेखन के ई स्त्री संबंधी चिंतन व लेखन नहीं मानल जा सके या स्त्री लिखती तखने स्त्री लेखन हम जाए ऐसी बात के दुख है सबसे बेसी जे लेखन लेखन होइ छै आइ तक जतेक हम मैथिली साहित्य के इतिहास देखलो है ओकर लास्ट में देखे छी जे महिला लेखन उनका अलग से लेखन के अलग केना कायल जा सके छै लेखन लेखन होइ छै हमरा सबके बीच में की छै सबसे पैघ कमी छै ये सब कुछ हम सब लिखलो है आलोचक कोनो ने आलोचना कोई महिला ने लिख लेते है निर्जा रेणु के बहुत बढ़िया देख रहे लिखे के लेकिन वो पता नहीं दूसर तरफ चल गए फिर उषा जी थे वो बहुत अच्छा लिख सकती है खाली नारी के विषय में नहीं संपूर्ण साहित्य के लग है कोई नारी आलोचक नहीं थे और नारी के लेखन के अलग क्या दिल गले है यह बात के कष्ट छिद किया आखिर नारी की लिखे कहते हैं जहाँ देखियो हम अत्र एक गेल रही प्रोग्राम में स्पैरो में ओहिठाम सब तरह के सब भाषा के महिला लेखिका रही ओ सब इतने कहे कि हमरा सबके कतौ कोई उजागर नहीं कर रही है तो हमरा सबके विषय में कोई नहीं लिखे हम उषा कहली उषा तू आलोचक बन तू लिख किताब सबके वास्ते
कृतित्व के आलोचना कर, कृतिकार के अलग हटा, क्योंकि हम सब आलोचक में इतिहास में की करी छे, हमारा सबके आगू में रही थी जे धर्मेंद्र प्रमर्षि जी छथिन, तो हमारा सबके आगू में रही थे गुंजन जी छथिन, हुनकर किताब छे, नहीं अहाँ सब किताब के काट करू, किताब के अंदर की छे ओकर आलोचना करू, तो ओहिमे महिला और पुरुष कहियो अलग नहीं भए सकै छे, इवन के दलितो अलग नहीं, अहाँ दलित क्या दलित कहै छै ओकरा बेचारा करै छी, शूद्रा महिला के किया एक सम अहाँ बनि लिए है, हम लिखै छी अपन हृदय में जे हमर माने लेखन जे छी से एकटा मातृत्व के पीड़ा छी, क्या अहाँ रही क्या हम रही, ओ भीतर से जे एकटा बेचैनी उमड़ै छै, लेबर पेन जे लेखक के अंदर में होइ छै, ओ जा तक कागज पर नहीं जाइ छै, जा तक ओकर डिलीवरी नहीं होइ छै, ता तक लेखक बेचैन रही छै ओ पेन से, जे कखन हम अपन रचना के कागज पर दे दी, जन्म के बाद जेना माय बाप अपन बच्चा के ढुलराबै छै सहलाबै छै ठीक छै, तहिना ओहि मानस शिशु के लेखक जे छै से फेर ओकरा काट छाट कए कऽ ओकरा नीक करै छै सुन्दर करै छै ई करै छै, तऽ ओ पीड़ा जे छै मातृत्व के पीड़ा माइए जानै छै, लेखन के पीड़ा लेखके जानै छै, तो ओहिमे लेखन महिला कतए, मुदा जखन पुरुष ओ माय के पीड़ा व्यक्त करय लगै छथिन की ओ न्याय भाव पबै छै ओहिठाम, लगै छै जे सही उतारने छथि, उचाट पर आशा मिश्रा के भेटले है साहित्य अकादमी ओहिमे हम ही रही जज में और पढ़ने जे रहिए हमरा लगल एतेक सुंदर विषय पर एतेक महीन कार्य, लेकिन कतौ छै के लिखे वाला छै ओकरा पर अहीं कहू, कोई साहित्यकार छथिन इतिहासकार, कोई इतिहासकार छथिन, अहाँ सबके एक चीज के निवेदन करब, आबै वाला जे भविष्य अपन ये मैथिली के बच्चा सब जे लिख रहल छै से ओकरा सबके सामने अहाँ इतिहास के पारदर्शी रूप राखियो, ओकरा सबके ई नहि बुझै जे इतिहास मिट्टी में छै, एकटा धार जकाँ जे इतिहास आधुनिक आदिकाल से चलल आबै आइ तक ओकरा सामने उजागर हेबाक चाही, जी हमसब एकदम आप अंतिम चरण में प्राय आबि गेल छी, एकटा बात अबै छै जखन मिथिला के नारी के आदर्श के अगर परिकल्पना कयल जाय, ठाम ठाम हमरा सबके गाम में समाज में सीता के आदर्श नारी के रूप में चित्रित कयल जाय छै, कि ठीके आई के जै सोच के संग नारी सब आगा बढ़ रहल छथि तई में सीता के जै तरहक चरित्र सबके चित्रण कयल जाय छै आ ओकरा आदर्श के रूप में देखायल जा रहल छै, ओ महिला के कुम्हर लऽ जेतै ओ ठीक छै, अहाँ आदर्श के बात करै छी, हम तऽ शक्तिमती के बात करै छी, जे अहाँ के पूर्ति अहाँ के अहंकार के पूर्ति के वास्ते सीता अपन सर्वस्व दान दे देलक, और जब वो अहाँ के बच्चों के अहाँ के समर्पित कह के अपना धरती में समा देली, ओकर वो अपन स्वाभिमान एतेक बड़का स्वाभिमानी सीता रहती, ओकरा व्याख्या तऽ अहीं सब करबै ने, पराधीन सपने सुखनाय एकरा व्याख्यायी तऽ अहीं सब करबै, सब दिन अनकर कहल माने तऽ साग जकाँ जल जायब खत्म भऽ जायब, से नारी के आदर्श छी, एकटा नारी के आदर्श छी, लेकिन और ई चुपचाप सहनाई नारी का आदर्श नहीं थी, आज दहेज परंपरा के जन्म भेले किया, जनक अपना मन से राज के राज घोड़ा हाथी दे दिलखिन, और लोग कहे लागले कि बाप जनक वैसे देखियो लव मैरिज होत रहे कि नहीं, सीता के ब्याह के अरेंज नहीं भेले रहे गेलखिन रे जनक लिया के, तो उस समय के देखियो अहाँ, लेकिन ओकरा की रामचरित मानस के ठीक से विश्लेषण नहीं भेले है, सीता की चरित्र के विश्लेषण नहीं भेले है, ओकर चरित्र के दमित क्या छे, अगर सीता चुपचाप अग्नि परीक्षा नहीं रहती है तो आज नारी की ई स्थिति नहीं रहती है, ओकरा रामो से दिला सकते रहे अहू दियो अग्नि परीक्षा, तो सीता कतौ ने कतौ एही मामला में नहीं भ पबै छथि, डॉक्टर नीरजा रेणु जी यह बात, हाँ सीता के चरित्र विभिन्न लेखक द्वारा विभिन्न प्रकार ओ उल्लिखित कयल गेल छै, एकटा लोक गाथा छै लवहरी कुशहरी, ते लवहरी कुशहरी मे सीता जहिना माटि से जन्मलखिन आ माटि मे फेर समा गेलखिन, ओ तऽ अपना इच्छा से समेलखिन, ओ अपना के दमित नहि केलखिन, सीता के जखन जे विचार भेल हुनका मे सत्य रहनि सत्य स्वरूपा रहथिन,
आ जे बात के ओ गलती बुझलखिन तकर ओ नीक जकाँ के विरोधो केलखिन। जना जना कोन चीज अबै छै जना हे धरती फाटू हम अहाँ समाज से हम कहिया तो अपना के खत्म कर दिल नहीं 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 हम खत्म अन्यायी रहे विरोध कलखिन ओ इस तरह विरोध कलखिन कि संभव से कोई कहते धरती फाटू हम समा जाए एक दोसर सीता के जन्म भलन सोना से सोना के फाड़ से जनक हर चलौल तखन सीता के जन भरन आ सीता रहली सोना के हरिण खिहारलकन हुनका तखन ओपर ओ लोभाकृष्ट भला लक्ष्मण तखन सीता के हरण भलन सीता गेली ओतः लंका तो सोना के महल में रहली मतलब स्वर्णमयी सीता आ से एक बेर कहथिन जे अखन हमरा से फाटू धरती धरती फाट जेथिन ओ हुनकर विरोध के स्वर छी धरती फटल छीन नहि ओहि स्वर के से धार्मिक व्यक्ति लोकनि कथाकार लोकनि जे कोनो अपना ढंग से ओकरा से दोसर तरह मोड़ल छी ताहि दुआरे ओ बहुत विशुद्ध रूपे रामायण के हम सब यथार्थ में नहीं ले लेकिन एटा साहित्य के रूप में सेहो लै छी त जखन सीता के चरित्र देखाल जाय छै हनन के हनन ओ नहीं सही सकली तैं ओ अपन काव्य के ओ हुनकर हाथ में चलन है कलम ओ काव्य के अपन अंत अही तरह चलन तो हुनकर कलम चलन है ताहि दुआरे नहीं तो हुनकर अपन स्वाभिमान पर आघात ओ नहीं सही सकली ताहि दुआरे ओ से ओते अंत कऽ देल जी जी डॉक्टर उषा किरण खान सबसे तो पहले हमें कहब ये साहित्यकार के महिमा छे जे एकटा अकिंचन बच्ची कोनो रहे जकरा एकटा दार्शनिक राजा उठेलखिन अपन पुत्री बनेलखिन पुत्री बनाकर बहुत शक्तिमान राजा के ओतऽ ओकर विवाह केलखिन जे प्रकार से केलखिन ठीक छै लेकिन सीता के ई जे व्यापकता छै ओहिमे महिमा छै एकटा साहित्यकार के वाल्मीकि ऋषि जँ सीता के कथा ओहि रूप में नहीं लिखने रहितथिन सर्वप्रथम कथा वएह छै ओकरा आधार पर सैकड़ों हजारों रामायण लिखल गेलै तऽ अगर नहीं लिखने रहितथिन तऽ सीता एहि रूप में नहीं लोक के सोझा में अबितथिन बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से हम ई बात नहीं मानै छियै जो धरती में समा गेल छी हम नहीं मानै छी हमर प्रखंड काव्य सेहो लिखल गेल है ओ नहीं मानै छी हम जो धरती में लेकिन सीता से नारी के लेल खासकर मिथिला के नारी के लेल वो आदर्श कोन रूपे देखल जा सके सीता के हाँ वो आदर्श एक द्वारे देखल जा सके छथिन जे सीता एक पूर्ण अभिजात स्त्री छलखिन अभिजात के अर्थ ई भेले जे ओ कोमल से हो छलखिन कठोर से हो छलखिन कोमल ए रूप में जे ओ अगर ककरो पत्नी भेलखिन तो पत्नी रूप में ओकर कोमल कोमलता ओकर प्रेम ओकर समर्पण अपना हृदय में रखलखिन आ हुनकर ई प्रभाव रहे जे साहित्य के हर पुस्तक में लिखल छै जे राम से हो वनवासे भोगलखिन अपना ओ तपस के ओ कोनो दोसर विवाह नहीं केलखिन अपना पिताजी जकाँ और ओ पर्ण कुटी बनाकर अपनो रही छल ई सीता के प्रभाव रहे सीता के कोमलता के ई प्रभाव रहे दूर में बैस कर आ कठोर छलखिन जे ओ अपना निर्णय पर अटल रहलखिन ओ फिर घूर के अयोध्या नहीं गेलखिन आ अपन दुनू पुत्र के ओ राजपुत्र जकाँ पोसलखिन ई हमरा सबके कहले न साहित्यकार जे माने छी ई जान गेलिए जे की रहथिन लेकिन साहित्यकार जे एकटा नारी के प्रतिमा अहाँ के सामने में ठार के लेन ओहि सीता के मिथिला के नारी आदर्श मानै छै ओहि सीता के भारतीय नारी आदर्श मानै छै हमरा लगैए जे एहिसँ आर कनि बढ़िकऽ जँ देखल जाए तऽ एकटा ई पक्ष तऽ अबै छै जे नारी के एकटा विशेष सामर्थ्य ओकर कोख सेहो छै जकर उपयोग लव कुश संतान के जन्म दऽ कऽ राम जे कि चक्रवर्ती सम्राट रहैत भऽ गेल हुनका द्वारा छोड़ल गेल अश्वमेध घोड़ा के पकड़वा कऽ ओहिठाम राम के जे झुकौने छथिन अपन संतान सबके एकटा सुघर पालन पोषण सँ तऽ हमरा लगैए रामक अहंकार तऽ ओहिना तोड़ने छथिन सीता तऽ एहि रूप में शायद बेसी आदर्श भऽ सकै छथिन और ताहि दुआरे
हमरा लगे मैथिल सब के एकटा वॉइस इहो भेल करै छन। चंद्रमणि कहै छथिन जे बड़ा मेही स्वर में क्यो कहे दाता, क्यो कहे परवर, क्यो कहे मालिक, क्यो कहे ईश्वर, तदपि कोयली कुहित करे शोर, राम जीवते अहाँ के सिया आँख नोर। एकटा मात्र उपराग सन बात एहिमे हमसब कनिक आर बढ़ाकर सेहो करै छिए। जखन राज्य चलेबाक होइ छै तऽ कहल जाइ छै जे साम दाम दंड भेद सब चीज चलै छै, तऽ एहिठाम बात अबै छै जे दंड भेदे करू वा अपनाउ साम दाम, हमर सीते दऽ बोन अहाँ सुखनी के राम। ई बात तऽ फेर अबै छै, सीता माने हमर आदर्श, हमर सम्मान सम्पूर्ण नारी जाति के, मिथिलावासी के। तऽ ई प्रश्न हमरा लगैया नारी के, आई के नारी के बेसी आदर्श हेबाक चाही। एहि दुआरे जे कठोर एहि दुआरे छथिन अपना पुत्र के जंगल में रह कऽ, जंगल के रूप मे ओ रहि कऽ तखन ओहि पर फल फूल खुआ कऽ जेना तेना कोनो आमिष भोजन नहि खुएलखिन, आ ओ खुआ पिया कऽ तहन एहन शक्तिवान बनेलखिन जे ओ अयोध्या के सेना के हरा दै छै। तऽ छैये एहन स्थगन आदर्श हेतै, लेकिन ई स्थगन गढ़लखिन साहित्यकार। आइ हम ई साहित्य के मंच सँ कहब जे साहित्यकार सँ बड़का स्रष्टा केओ नहि। बिल्कुल बिल्कुल, स्थगन गढ़लखिन साहित्यकार, मुदा हुनकर कोन पक्ष के देबाक चाही जे आई के नारी के और सशक्त बनबे, तऽ हमरा लगैया ओ साहित्यकार गढ़ि देने छथिन। एकर जे देबाक चाही से चीज कतौ ने कतौ कम भऽ रहल यऽ। और बातचीत के क्रम में आबि गेल रहा जे मैथिली साहित्य के शुरू सँ दूटा एकदम सशक्त धारा चलैत आबि रहल छै। एकटा कनिक शास्त्रीय मत के धारा वेद संगे चलैत, दोसर लोक संगे चलैत, और लोक वेद ठाम ठाम मिलैत रहलैए, कतौ कतौ अलगो होइत रहलैए, मुदा लोक धारा जे छै से एकदम अविरल गंगा जकाँ प्रवाहित होइत रहलैए। चाहे विभिन्न लोक गाथा सब होइ, चाहे लोक गीत सब होइ, चित्रकला सब होइ, हमरा सबके केश थकर काल तक के गीत होइ छलै, दाँत घुमबर काल के गीत, रोपर काल के गीत, तऽ ओहिमे तऽ वह वेदना सब निकलै छलै, सृजनशीलता निकलै छलैए एहिमे। और ई रचनात्मक लेखन में केना ई लोक आ वेद के जोड़ के तारतम्य आइ के समय में कोना देख रहल छी अपने? वेद बड़ पाछू छुटि गेल कि नहि? वेद आ लोक के बीच में बहुत बड़का पौराणिक काल छै, ऐतिहासिक काल छै। तऽ अगर वेद आ लोक ई दुनू मिलाबै के बड़ा सुंदर शब्द छै मैथिली के, लोक आ वेद, किएक मैथिली मिथिला के लोक बुझि पड़ैया पौराणिक और ऐतिहासिक काल के जे त्रासदी छै तकरा बिसरऽ चाहै छै। तैं एक बेर वेद जे साँचे लोक छलैया, आ लोक जे वेद के जँ अनुसरण करै तऽ बड़ा बढ़िया। बीच के समय अगर ऐतिहासिक रूप से अहाँ अंतिम हम एकटा शब्द कह चाहब जे शेफालिका वर्मा कहलनि हँ जे उषा किया नहि लिख सकैए, भाई हम तऽ इतिहास के लोक छी, क्लासिकली जे पढ़ै छै समीक्षा के शास्त्र ओ हमरा नहि आबैए, समीक्षा के शास्त्र हम नहि जानै छियै। तैं हम ओ अगर लिखऽ लगबै ने तऽ हमर इतिहास, हम साहित्य लिखै छी, पहिले हमर जे संगीत इतिहासकार छथि ओ सब कहै छथि जे म्यूजियोलॉजी पर कोनो किताब नहि छै, टूरिज्म पर कोनो किताब नहि छै, से अहाँ नहि लिखै छी, आ हम समीक्षा पर अलग सब पढ़ि कऽ फेर लिखऽ लागब तऽ कपार नहि भाँगि लेत? ई काज साहित्य जे पढ़ने अइ वएह लिख सकैए। निर्जा रेणु दिस, आई के संदर्भ में जे अपने कहलिए जे मोने में बहुत रास चीज रहे चलैए, अपना के नुका का छद्म नाम सब लिख रहा छलो, आप के अवस्था आई के एकदम नवीनतम जे पीढ़ी है तकरा में केना देख रहा छिए? आ वो लोक में अखनो जे छे ओकरा पोथी के रूप में साहित्य में आना के संभावना रास्ता सब की सब देख रहा छिए? आजुक युग में जे पुरुष रहे वा महिला रहे बहुत हमरा से आशा है। कने काल अपने सब आप अंतिम अंतिम में हम सब थी कने काल शांत हो जाएगा जे आकाश मार्ग से आक्रमण जो भर रहा है वैचारिक स्तर पर, आकाश मार्ग से माने सामाजिक संचार सब से, हाँ दूर संचार सब से, दूर संचार माध्यम से जो भर रहा है वही में वो पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी से दिग्भ्रमित भ रहा है, कन्फ्यूज, दे आर ग्रोइंग कन्फ्यूज।
कैसे कन्फ्यूजन में वो सब से बुझ नहीं रहा है कि की ठीक छे की गलत छे आ ये किया भेल क्या तो उपभोक्ता संस्कृति से बाजारवाद आबि गेल सब अपन अपन उत्पाद के अनुसार से रचना चाहे छे तई में वैचारी के जे गंभीरता से छूट गेल मानवता के संवेदनशीलता छूट गेल आबि गेल जे उत्पाद हमर कते बेसी लोकप्रिय हैत कते हमरा टका भेटत कते हमरा लाभ हैत अ पर आनहर जका एक अंध आनहर बसात चल गेल तो हम तो अजका पीढ़ी से जतक आसानी तही हिसाब एक चाहे छे जो ओहि पर से ध्यान केंद्रित करे जे के हमरा से दिग्भ्रमित कर रहा है इस चुनौती हमरा सब के समय में नहीं चले आवक भी बेसी मुश्किल में जा रहा है वैचारिक स्तर पर लेखन के स्तर पर रहन सहन के स्तर पर वो बुझ नहीं रहा है तो हम यह कहे अजका पीढ़ी के जे वो सावधान रहे ओकरा पर वो हावी नहीं होए वो बाजार बात हमरा से अपना अखन के लग रहा है से जी ये नव पीढ़ी के संदेश और अपने हम तो यह कहब जे लोक धारा में जे आबि रहल छे उन चीज के साहित्य कतेक समेट रहल अछि और वो अभिव्यक्ति के कतेक मुखरता संग परैत रहल छे आ केना परसल जा सकैए डॉक्टर सिपाही का वर्मा देखियो पहले जे अपने कहलिए अखन जे अथी के कोसी के गीत उखर के गीत जटा जटिन के गीत ई सब सही बात छै जे हमर सबके संस्कार संस्कृति सब तक खत्म भेल जा रहल छै जे जमाना आबि गेलै हैं जे ई पिछला चीज जे छै सब बिसरल जा रहल छै और नया मैथिली नहि मिल रहल छै मैथिली तऽ अहाँके वैज्ञानिक गतिविधि जे अछि फेसबुक ई सबके कारण मैथिली उभरि कऽ आबि रहल छै लेकिन ओहिसँ अखन अहाँके एक गोटे कहले कि जे पुस्तक मेला के अहाँ सब हिंदी में बाजियो तो हम बुझबै तो हम सब मैथिली छी लेकिन एक सबसे पैघ कारण छै जे अपन सबके चीज के अनुवाद दोसर भाषा में नहीं जाए छै बहुत कम चाहे गरीब अनुवाद केलक तो केलक नहीं तो नहीं जाए छै तो दोसर भाषा केना बुझते जे हमर जटा जटिन के गीत छी हमर उखर समाज के कुटे के दासल गीत छी अनुवाद के जे छै सबसे पैघ अपना कतेक कमी छै अनुवाद हेबाक चाही जे आन आन भाषा के लोग हमर सबके लोक संस्कृति के जाने हरीश्वर नाथ रेणु के अगर नहीं रहती है अनुवाद सब कुछ तो हुनकरो विचारधारा लोग नहीं बुझती है जल्दी लेकिन जाते अनुवाद अपन अंचल के मिथिला के चीज सबके नहीं हेतै संस्कार सबके नहीं हेतै ता तक ओकरा जीवित रखनाइ लोक में बहुत मुश्किल छै आ ओकरा जेना अपने के एक चीज और का बहुत दुख हो बहुत कवि आबि रहल छै फेसबुक सब पर बहुत कवि नीक बात छै लेकिन अपना कते कविता आइ गेल है से हम लिखै छी अहाँ पढ़ै छी बस कविता जकरा ले लिखल गेलै है तकरा तक नहीं पहुँचै छै ई तो सब संदर्भ में लागू होइ छै ने हाँ सब संदर्भ में फेसबुक के मात्र नहीं पहले से जे छै तो हमर क्या है तो ओहिठाम केना पहुँचे एहि दुआरे कि आइ जे छै लोक सब पढ़नाइ छोड़ देलकै है आन आन साहित्य के पढ़वाक चाही आन आन भाषा के पढ़वाक चाही वो सब नहीं सब कविता लिखे में कहानी लिखे में लागल छै हमरा सब जो हम सब लिखे नहीं सफल छी असफल छी नहीं जाने छी हमरा सब बहुत पढ़े पढ़ित रहल चाव रहे इच्छा रहे पढ़े के भीतर से आज कल के बच्चा सब के ऊपर इच्छा हेबाक चाही ओकर साहित्य की छै ओकर साहित्य की छै ओहि साहित्य में कोनो साहित्य के जज हम अहाँ नहीं करै छी कोनो साहित्य के जज ओकर वक्त करै छै समय आबै छै तखने ओहि साहित्य के से समीक्षा होइ छै ओहि साहित्य संज्ञा होइ छै चलो जे बहुत रास बात भ सकै छै एकटा तो प्रश्न इहो भ सकै छै साहित्य कतौ ने कतौ लोक सँ एतेक बेसी ऊपर उठि गेल छै जे बीच के खदिया बेसी छै ओ नहि पता रहल छै हरिमोहन झा कहियो लिखने छलथि ओहि समय मे की पकड़बाक चाही ओ लोक सँ नजदीक भेल छलाह आन बहुत लेखक सब छै तऽ एहिमे हमरा लगैए आनो आनो चीज सब भ सकै छै जी जेना अपने सब ई महत्वपूर्ण विचार मे सहभागी भेलहुँ और उनसे हमरा अखन अंत में एक अमरेंद्र यादव छथि युवा कवि नेपाल में लिखे छथि परंपरा के और खास कर स्त्री सब जो अपन मनोभाव के निरंतर अभिव्यक्ति दे रहा छथि जिनसे सब वर्गक तकरा बड़ा सटीक ढंग से चित्रित कने छथि जे कहिए छले बीत बीत पर अल्हड़ कारीगरी कहिए छले बीत बीत पर अल्हड़ कारीगरी आ देख देख पर हस्तकला
तहिए छले हाथ हाथ में लिखनी पढ़नी आ बात बात पर चित्रकला आंगन लिखित काल चित्रकला अरिपन लिखित काल चित्रकला मोख पारित काल चित्रकला गोबर पाथित काल चित्रकला पिड़ुकिया गुहित काल चित्रकला थकुआ ठोकित काल चित्रकला दौरिक अंग अंग में चित्रकला मौनिक रंग रंग में चित्रकला मालिक मौर में चित्रकला डोमक डाला में चित्रकला चित्रकले चित्रकला सभी चित्रकला होए वा गीत सब होए वा गाथा होए लभर कुशर के बात कहलिए निरंतर चलिए आयल छे और एक जरा हम वेद परंपरा के वा शास्त्रीय लेखन परंपरा के बात कहूँ हैं से कम छे मुदा बड़ा सुंदर ढंग से आगा बढ़ा रहल छे सारा संदर्भ के देखे एक टा पक्ष इहो अबैत अछि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिमलक रचना से हम शुरू केने छलहुँ हैं ओही ठाम से हम अंत सेहो करय चाहब छी जे कहने छथिन जे नयन में फुलै छै जे सपना के कोढ़ी फुलेबा से पहिने सब झड़ि जाइ छै आ कलमक से नूरदान तयबा से पहिने गीत कांचे कुमारे में मर जाइ छै तो ई कांचे कुमारे में मरित गीत सब के सिंदूरदान होइत रहे भ सके लोक तक पहुँचे से हम सब कामना करी और अई महत्वपूर्ण सत्र में सहभागिता के लिए अपने सबके तीनों गोटे के डॉक्टर उषा किरण खान डॉक्टर निर्जा रेणु डॉक्टर शेफालिका वर्मा के धन्यवाद हमरा अई विशिष्ट आयोजन में अपने सबक संग बातचीत करवा के अवसर दिलत डॉक्टर सविता खान अमित आनंद इनका सबके धन्यवाद और नेशनल बुक ट्रस्ट और सेंटर फॉर स्टडीज इन ट्रेडिशन एंड सिस्टम्स इस संस्था के सेहो धन्यवाद और हमरा ई प्रसन्नता भ रहल अछि जे कम मुदा बहुत गरिमामय महत्वपूर्ण उपस्थिति के बीच ई हम सब अपन किछ बातचीत एहिठाम राखि सकलहुँ बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अपने चारू गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद कनिक और औपचारिकता बैठ गई है हमरा सबके बीच में बहुत गंभीर स्त्री विमर्श करे वाला एक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत लेखक है हम सब कहलिए उनका नाटक के मंचन देखलूँ बहुत ही गंभीर श्री प्रदीप बिहारी जी उनका से हम आग्रह करबन जो सामने एता और डॉक्टर उषा किरण खान के एक किट बेचे से डॉक्टर सम्मानित करते श्री प्रदीप बिहारी जी हमरा सभक बीच डॉक्टर श्री रंजन खान सर और उनका आग्रह करबन जे ओ डॉक्टर मिर्जा रेणु के जे छै से किट दऽ कऽ सम्मानित करथिन हमरा सभक बीच में डॉक्टर आर एम भारद्वाज डॉक्टर आर एम भारद्वाज जी सर हुनका से हम आग्रह करबनि जे सामने आबैत मंच पर और श्रीमती शेफालिका डॉक्टर शेफालिका वर्मा के चीफ दकर जी से सम्मानित करते हैं जी हमरा सफर बीच में जी डॉक्टर श्री गजानन मिश्रा जी छथि हुनका से हम आग्रह करबनि जे ओ आबथि और श्री धीरेन्द्र प्रेमर्षी जी के जे छै से किट दऽ कऽ हुनका सम्मान करथिन सुंदर संचालन और कनी मनी इम्हर उम्हर गड़बड़ के अलावे हमरा लग रहल अछि अपने सबके उपस्थिति और हमर सब गोटे के तऽ मैथिली के उपस्थिति मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही बेसी जे छै से सम्मान के विषय हमरा सब लए एहि के संग एहि सत्र के पहिने हम समाप्त करी एला वोट ऑफ थैंक्स के लेल हम श्री अमित आनंद के इन्वाइट करबनि श्री अमित आनंद नमस्कार बेर बहुत भऽ गेलै 20 मिनट हम सब डिले छी एनबीटी के क्योंकि नेशनल बुक ट्रस्ट के आ थीम पवेलियन में लगे वाला सब व्यक्ति के एहिमे आबे वाला जस्टिस कथित कहै छी ज्ञान सुधा मिश्र जी आर एहिमे थीम पवेलियन उपस्थित अहाँ सब गोटे के ससमय आबे लेल दिल्ली के की कहै छै भौगोलिक स्थिति जे छै ओहिमे प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी
गर्गी कुंजन जी और नेपाल से आयल धीरेन्द्र प्रेमर्षि आ तीनों समकालीन गार्गी समकालीन मिथिला के गार्गी जे एटा एली एते की कहे वयोवृद्ध लोग थे लेकिन ओहिसँ बेसी अपने ससमय एटा उपस्थित भेलिए जे मैथिलीमे मिथिलामे कम देखल जाइ छै जे समय के बनो अथी नहि लेकिन ई निरन्तरता चलैत रहै नेशनल बुक ट्रस्ट विश्व पुस्तक मेला जे एशियाक सबसँ पैघ पुस्तक मेला छै एहिमे मैथिली के एकटा सत्र आ अंतिम सत्र अंत भला तो सब भला के संग अपने सबके साधुवाद धन्यवाद मतलब कि पुनः मिलन होइ छै धन्यवाद।